माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गिरवार कोहल का कालका की पूर्व विधायक लतिका शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचकर पिंजौर रायतन क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने जजपा व अन्य पार्टियों को छोड़ भाजपा का दामन थामा। लतिका शर्मा द्वारा युवाओं के गले में भाजपा पार्टी का पटका डालकर पार्टी में उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर लतिका शर्मा ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित होकर भाजपा पार्टी का दामन थाम रही है। कहा कि हाल ही में लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया द्वारा पिंजौर कालका में लगातार जनसभाएं की गई, जिसके दौरान भी भारी संख्या में लोगों ने भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया। इस मौके पर मांधना के युवा नेता आयुष शर्मा, जो जजपा के पदाधिकारी रहे, उन्होंने जजपा पार्टी को छोड़ अपने सैकड़ों युवा साथियों में प्रीतम अत्री, सतीश, सुरेश, अंकित, बब्बल, गौरव, लक्ष्य, अवतार, निखिल, नरेंद्र, पीयूष, संदीप, हितेश, जतिन, विशाल, बब्बू, हिमांशु, विपिन, कुणाल आदि के साथ भाजपा का दामन थामा। लतिका शर्मा ने कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाती हूं कि भाजपा पार्टी के कार्यकाल में आज तक विकास कार्यों की झड़ी लगी रही और आने वाले समय में भी कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी और भारत देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस मौके पर सुभाष शर्मा, पूर्व सरपंच हेमराज, पंचपाल, मंडल अध्यक्ष सुखबीर, पवन, बलदेव, बलजीत आदि भी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का परचम भारत नहीं पूरे विश्व में फहर रहा है और हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने भारत को विश्व तो गुरु बनाने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाई है, मुहिम छेड़ी हुई है। उसी के तहत जैसे लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और सभी जगह पूरे प्रचार और जोर शोर से चल रहे हैं, पूरी लगातार ज्वाइनिंग भी जोर शोर से चल रही है, तो उसी के तहत हमारी कालका विधानसभा में अभी 21 तारीख को एक बहुत रैली थी, बहुत भारी संख्या के साथ हमारे नायब सैनी जी, जो कि हमारे युवा और कर्मठ ऐसे हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो और हमारी बंतो कटारिया जी, जो कि हमारी हर भाजपा की प्रत्याशी हैं और बहुत ही कर्मठ है, हमारे रतनलाल कटारिया जी जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी भी है, और उन्हीं के पक्ष में रैली भी हुई थी, विजय संकल्प रैली। और आज मेरे को बड़ी खुशी है कि पूरी कालका में ज्वाइनिंग चल रही है और हरियाणा का एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र जो कि मोरनी है और हमारा सिरमौर है, ऐसे में हमारे युवाओं में उनका जोश देखे ही बनता है। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, साथ ही हमारे नायब सैनी जी के जो कि युवा भी है ऐसे उनके नेतृत्व में, और हमारे बंतो कटारिया जी के पक्ष में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में मांधना के हमारे पूर्व में सरपंच हैं हेमराज जी, अब पंचपाल जी, और उसके साथ हमारे मंडल अध्यक्ष सुखबीर जी, पवन जी, बलदेव जी, बलजीत जी, सभी उनके साथ मिल करके हमारे भारतीय जनता पार्टी में आयुष शर्मा, जो कि मांधना का हमारा बहुत ही कर्मठ ऐसा हमारा युवा नेता है और जननायक पार्टी का ये वहां पे वरिष्ठ पदाधिकारी था, उसने सैकड़ों की संख्या में, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि पूरा मोरनी, उसमें चाहे मांधना है, थापली है, चाहे हमारे मोरनी विशेष से भी, वहां पर सभी तरफ से जो कि 14 वोट उठाए हैं, हमारे सभी युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज हमारे को ज्वाइन किया। मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनको विश्वास दिलाती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो कि अब भारत को हमारे तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने में लग रहे हैं और युवाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया और हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो कि आज सनातनी जो पार्टी जो कि है बहुत पक्ष पर जो लेकर के चल रही है, ऐसे में उन्होंने विश्वास करके इस पार्टी को ज्वाइन किया। मैं आयुष जी को और उसकी पूरी टीम को, युवाओं को,
मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारी कालका विकास करेगी। पहले भी कालका ने भी जो विकास किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद किया, और उसी के तहत मोरनी जैसा क्षेत्र जो कि हमेशा किसी ने अनदेखा किया, लेकिन हमारी सरकार के बाद मोरनी एक नंबर पर आया, पर्यटक की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से। तो इन्हीं को देख करके हमारे युवाओं ने हमारा दामन थामा है। मैं पुनः सभी अपने जो अपने यहाँ के युवा जितने आए हैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, और बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बंतो कटारिया जी के लिए भी अपने पक्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक नंबर पर चुनाव में हम लेकर के जाएंगे। मैं पुनः इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, ज्वाइनिंग लगातार हमारी चल रही है, और हमारे दून क्षेत्र में, रायतन में, पिंजौर, कालका में भी, पीछे अभी दो दिन पहले नगर परिषद कालका में कम से कम 10 कार्यक्रम लगे हुए थे हमारे प्रत्याशी बंतो कटारिया जी के, उसमें भी लगातार ज्वाइनिंग हुई। तो आज ही बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हुई है, और उसके बाद आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि लगातार हमारे यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के पक्ष में, लगातार भारतीय जनता पार्टी की विकास को देख करके ज्वाइनिंग रहेगी।